कलयुग के सर्वन भगवान की, कलयुग के सर्वन भगवान की, कली काल के सर्वन भगवान की, कली काल के सर्वन भगवान की। ये वीडियो देखा आपने, किस तरीके से भागलपुर के चंदन कुमार अपने माता पिता को कावड़ यात्रा पर ले जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि श्रवण कुमार का आपने सुना था और देखा था, वैसे ही ये श्रवण कुमार बनने की जो एक हकीकत है वो आपके सामने है। आप देखिए किस तरीके से माता पिता को दोनों पति पत्नी कावड़ यात्रा पर ले जा रहे हैं। देखकर कितना अच्छा लग रहा होगा, खुश होइए क्योंकि खुश होने वाली बात है। जिस तरीके से आस्था के नाम पर आपको गंगा में डुबकी लगाई जा रही है, आप डुबकी लगाइए, क्योंकि जब तक मलाई खाने वाले लोग बैठे हुए हैं तब तक आप आस्था में डूबे रहिए, क्योंकि आस्था है तो राजनीति जिंदा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। जिस तरीके से इस वीडियो में आपने देखा कि श्रवण कुमार जो हकीकत में अपने माता पिता को लेकर जाता था, वैसे ही ये वीडियो में आप सामने सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से भागलपुर के ये चंदन कुमार अपने माता पिता को लेकर जा रहे हैं। साथ में एक बच्चा है, वो भी आप देखिए किस तरीके से परेशान होकर माता पिता बैठे हुए हैं, किस तरीके से दोनों पति पत्नी अपने माता पिता को लेकर जा रहे हैं कावड़ यात्रा के लिए। जी हाँ, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या भगवान आपको ये कहता है कि आप कष्ट देकर, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर किसी की यात्रा कीजिए, कोई कावड़ यात्रा निकालिए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस तरीके से हिंदू को लगातार हिंदू बनने पर, हिंदू राष्ट्र बनाने पर लगातार जो बनाया जा रहा है देश का माहौल, वो आप समझिए कि हिंदू तीन ही टाइम पर आप बनाए जाते हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा दलित, शोषित और पीड़ित और SC ST OBC वर्ग आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आएगा और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ भी नज़र यही आएगा। अब ये तीन समय पर जो हिंदू बनाए जाते हैं, वो तीन समय ये हैं, जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी हो तब आप हिंदू बनाए जाते हैं, जब वोट पाना हो तब आप हिंदू बनाए जाते हैं, और जब कावड़ यात्रा निकालनी हो तब आप असली हिंदू कहलाते हैं। जी हाँ, आप हिंदुओं का लगातार जिस तरीके से शोषण हो रहा है वो आप समझिए, किस तरीके से तीन टाइम आपका इस्तेमाल किया जाता है और तीनों टाइम में आप हिंदू बन जाते हैं और उसके बाद आप SC ST OBC ही बनकर रह जाते हैं। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और अब कावड़ यात्रियों की यात्राएं भी शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से इस वीडियो में जो नवयुवक है, जिस तरीके से अपने माता पिता को लेकर जा रहे हैं, उसमें बच्चा भी आप देखिए, बच्चे को भी उसमें यात्रा पर जो है कावड़ यात्रा में लगा रखा है, और बच्चा भी अपनी जो दादी माँ को है वो संभालता हुआ किस तरीके से परेशान होकर लेकर जा रहा है। आप समझिए कि आस्था के नाम पर आपको लगातार कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, ताकि आप लोग इसी सब चीजों में उलझे रहें, ताकि आपके बच्चे जो हैं कभी शिक्षा प्राप्त ना कर सकें, आपके बच्चे कभी अच्छे पद और पोस्टों पर ना जा सकें, आपके बच्चों के हाथों में कलम नहीं ये कावड़ पकड़ा दी जाती है। लगातार जिस तरीके से अब आप देखेंगे सावन का महीना शुरू हो चुका है, अब कावड़ियों की जो भीड़ है वो लगातार सड़कों पर उमड़ेगी। अब ये आपने जो अभी ये देखा, उसके बाद आप सोचिए, जहानाबाद के रहने वाले चंदन कुमार भागलपुर के सुल्तानगंज से जल भरकर यात्रा शुरू की, साथ में उनकी पत्नी और बच्चे भी हैं, अपने सास ससुर को कावड़ में उठाकर चल रहे हैं। आप सोचिए जितनी ये प्रकाष्ठा कर रहे हैं, जितनी ये मेहनत कर रहे हैं, अगर यही मेहनत कोई अच्छी शिक्षा पाकर और अच्छी उच्च शिक्षा अपने बच्चों को देकर ये अगर दे सकते थे तो ये सुख भी दे सकते थे, लेकिन कावड़ यात्रा में इन्हें सुख नजर आ रहा है। जिस तरीके से पाखंड फैलाकर लगातार कावड़ियों को कावड़ यात्रा में लगा दिया जाता है, तो आपको एक हकीकत भी बताना चाहूँगी, यही सबसे ज़्यादा आपको SC ST OBC वर्ग के सभी युवक मिलेंगे। लेकिन क्या यहाँ पर नेताओं के बच्चे शामिल होते हैं?
क्या इस कावड़ यात्रा में तो आप देखिए सबसे ज्यादा कारपोरेट हाउस के जो बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा आपको नजर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC वर्ग। जी हाँ, आपका इस्तेमाल लगातार ऐसी ही चीजों के लिए किया जाता है, लगातार कावड़ यात्राओं में और लगातार वोट के इस्तेमाल में जब आपका इस्तेमाल किया जाता है तो उस इस्तेमाल को समझिए कि आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस्तेमाल करने का जो खेल है उसकी प्रक्रिया को आप समझिए कि कहाँ पर आपको इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस्तेमाल वर्ड बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आप अब जो है इस्तेमाल ही हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से राजनीति में बैठे हुए लोग आपको आस्था के नाम पर डुबकियां लगाने के लिए भेज देते हैं और आप जो खुशी के माहौल में जाकर खुश होकर डुबकियां लगाने पहुंच जाते हैं तो वहां पर जो आप जल भरने जाते हैं, तो आपको एक बात और बता दूं, जब गंगा नदी में जल स्तर बढ़ रहा है, लगातार जहां बाढ़ें आ रही हैं, लगातार जहां बारिश हो रही है, तो वहां पर गंगा जल ले जाने और लाने का मतलब और मकसद क्या रह गया है? तो आप सोचिए, जब बारिश जैसी वर्षा ने जल स्तर बढ़ा दिया है गंगा नदी का, तो आप वहां से किस तरह का जल लेकर आना चाहते हैं और अपने पाप को धुलना चाहते हैं? ये लगातार जो पाखंड है, एक लिखते हैं साहब आस्था एक ऐसा कुआ है जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता है और वह भी अपने अपने हिसाब से। अब सोचिए, लगातार जो यहाँ पर लिख रहे हैं, इंसान इतनी तरक्की की मगर इन मूर्खों को अभी भी कावड़ यात्रा करनी है। सोचिए आपको किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है आस्था के नाम पर, और आप अपने बच्चों को ऐसी ही भीड़ का हिस्सा बना रहे हैं जहां आपके बच्चे और उनका जो करियर है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आगे जाकर आपके बच्चे क्या प्राप्त करेंगे। आपके बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए तो वहां पर कावड़ यात्रा की कावड़ के डंडे पकड़ा दिए जाते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार, अब आपको मैं दिलीप मंडल जी का एक ट्वीट है वो पढ़कर बताती हूँ। वो लिखते हैं, मैंने दिल्ली मुंबई कोलकाता में कॉरपोरेट सेक्टर में 25 साल बिताए हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के किसी को मैंने कावड़ यात्रा पर जाने और जाते हुए न सुना है न देखा है। इन कंपनियों में किसी ने अपने बच्चे को भेजा नहीं, ऐसा भी नहीं देखा कि फिर कौन है वे करोड़ों लोग जो कावड़ यात्रा करते हैं। सोचिए, कॉरपोरेट हाउस के लगातार आपको यहाँ पर कोई युवा नहीं मिलेंगे, कोई किसी के बच्चे नहीं मिलेंगे, खास तौर पे राजनेता और नेताओं के। यहाँ पर अगर मिलेगा तो आपको आम नागरिक मिलेगा, और वो भी दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग ही मिलेगा, जिसकी मैं बात कर रही हूँ SC ST OBC। अपने ही लेख में जो है दिलीप मंडल जी लिखते हैं, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, कावड़ यात्रा में दलितों और ओबीसी का बड़ी संख्या में शामिल होना एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिघटना है, लेकिन आखिर किन वजहों से ऐसा हो रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। उनका लेख मैं आपको आज पढ़ के बताती हूँ। इन दिनों उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में कावड़ यात्रा चल रही है। सड़क के किनारे कावड़ लेकर चलते भगवाधारी कावड़िए कहीं भी नजर आ जाएंगे। आमतौर पर कावड़ यात्री सावन महीने में किसी पवित्र नदी, खासकर गंगा जैसी किसी नदी का जल लेकर उसे अपने निवास के पास के किसी शिव मंदिर पर चढ़ाते हैं। सबसे लोकप्रिय कावड़ यात्राएं हरिद्वार, बनारस और देवघर वगैरह की मानी जाती है। यह यात्रा एक सामाजिक उत्सव का रूप ले चुकी है और इसमें शामिल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे लेकर ढेर सारे गाने और वीडियो बने हैं। कावड़ियों के उत्पात को लेकर भी अक्सर स्थानीय अखबारों में हेडलाइन बनती रहती है। हाल के दिनों में एक नया चलन ये आया है कि कावड़ यात्री तिरंगा झंडा लेकर चलने लगे हैं, और दूसरा चलन ये कि प्रशासन, राजनीतिक दल और नेता इनके स्वागत सत्कार का बंदोबस्त करने लगे हैं। इस मामले में कावड़ यात्रा में धर्म, समाज, संस्कृति और राजनीति सब घुल मिल गए हैं। सोचिए, इस लेख में उन्होंने पूरा, एक छोटे से लेख में उन्होंने पूरा जो है उसकी महत्वपूर्ण बातें जो थी वो आपने समझ ली होंगी, और क्या उन्होंने बताना चाहा है आप समझिए, किस तरीके से इसमें कावड़ यात्राओं में लगातार जो भीड़ और जलसे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार आपके बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, खासकर SC ST OBC के बच्चे, जो कि आपके बच्चे शिक्षा प्राप्त ना कर सकें, उस ऊंची पोस्ट और पदों को ना पा सकें जहां पर इन नेताओं के बच्चे बैठे हुए हैं। सोचिए, कावड़ियों की एक यात्रा निकलती है और यात्रा को उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। अब उसको धीरे धीरे उत्सव का नाम दे दिया गया है,
और सोचिए आपके स्वागत में राजनेताएं माला लेकर खड़े होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आप बेवकूफ बन चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि आपके बच्चे बेवकूफ बनाए जा चुके हैं और आपके बच्चों को ऐसी आग में झोंक दिया गया है जो कि पाखंड का रास्ता है, और उसमें झोंक दिया गया है, इसलिए वो खुशी खुशी आपको माला पहनाने आते हैं। अब ये जो राजनीति से लेके पूरा धर्म और कर्म कांड का जो स्तर है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। ये कर्म कांड है जिस तरीके से ये राजनेता लगातार भगवान का नाम लेकर आपको भगवाधारी बना देते हैं। लगातार आप देखिए इन जलसों में सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे नजर आएंगे, एससी एसटी ओबीसी के बच्चे नजर आएंगे, और इन जलसों में कहीं भी राजनेता के बच्चे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन आपके बच्चे यहाँ भारत में रहकर भी शिक्षा प्राप्त ना कर सकें, कितना बड़ा वार किया जा रहा है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए लगातार किस तरीके की साजिश की जा रही है। अब इसमें धर्म, समाज, संस्कृति, राजनीति सब घुल मिलकर आपको किस तरीके से निशाना बना रहे हैं, आप वो समझने की कोशिश कीजिए। बाकी क्या ये राजनीति का ही हिस्सा रह गया है, वो आप खुद सोचिए कि वाकई में क्या ये राजनीति का हिस्सा है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए जनहित आवाज़। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।